प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। एकादशी वर्ष में जितने बार भी आती है, हर एकादशी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का अगर आप नियमित व्रत रखते हैं, एकादशी पर नियमित पूजा करते हैं, तो मन की चंचलता समाप्त होती है, मन आपका एकाग्र होता है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन की स्थिति में सुधार होता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, और हार्मोन्स की अगर कोई समस्या है, हार्मोन की अगर कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत भी दूर होती है, और मनोरोग जो मानसिक बीमारियां हैं वो बीमारियां भी दूर होती हैं। पाप मोचनी एकादशी की अगर हम बात करें तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, संतान की प्राप्ति देता है, और प्रायश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत है। यानी अगर आपसे गलतियां हो गई हैं, किसी भी मनुष्य से गलती हो सकती है, अगर आपसे गलती हो गई है तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा पाप मोचनी एकादशी पर। इस व्रत से पूर्व कर्म के जो ऋण हैं और जो राहु की समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। यानी पूर्व प्रारब्ध के जो ऋण हैं, जो कर्म आपको भोगने पड़ रहे हैं, जो आपके गलत कर्म हो गए हैं, उन कर्मों का प्रायश्चित होता है। और अगर कुंडली में राहु से संबंधित समस्या है तो वो समस्या भी दूर होती है। ये व्रत रखा जाता है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं। मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय में जल का प्रयोग ज्यादा करने की सलाह दी जाती है, इसीलिए इस व्रत में जल का प्रयोग ज्यादा होता है। और इस बार पाप मोचनी एकादशी का जो संयोग है वो संयोग 18 मार्च को बन रहा है। यानी 18 मार्च को पाप मोचनी एकादशी के व्रत का हम पालन करेंगे, अपने मन को बेहतर बनाएंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। पाप मोचनी एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है ये आपने जान लिया। अब ये जानिए कि इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं। ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। एक तो निर्जल व्रत रखा जाता है जिसमें आप जल का सेवन भी नहीं करेंगे, और एक रखा जाता है फल वाला या जल वाला, यानी जिसमें आप जल पीकर फल खाकर व्रत रख सकते हैं। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति ही निर्जल व्रत रखेगा, बाकी लोग फल खाकर या जल पी करके ये व्रत रख सकते हैं। इस व्रत में दशमी को केवल एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। यानी दशमी तिथि को आप एक बार सात्विक भोजन खाइए। एकादशी को प्रातः काल सुबह के समय भगवान विष्णु का श्री हरि का पूजन करना चाहिए। अगर आप पाप मोचनी एकादशी पर रात में जग करके, रात में ध्यान करके भगवान विष्णु की श्री हरि की पूजा करें तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है।
बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। तो सामान्यतः एक आम आदमी को मैं कहूँगा कि आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखिए, इस दिन केवल फल खाइए, जल पीजिए, नींबू पानी पीजिए, फलों का रस पीजिए और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करिएगा, उनका ध्यान करिएगा, उनके मंत्रों का जप करिएगा और निरंतर नाम जप करते रहिएगा। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपते रहिएगा, तो ऐसा करने से आपके पापों का प्रायश्चित अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।